today we are going to discuss our class 12 political science chapter number 3 part 2 and if you haven't subscribed my channel yet then please go and subscribe it it takes just a click okay so without wasting any more time let's get started so guys this is our videos part 2 इससे पहले का जो वीडियो था हमने उसमें डिस्कस किया था कि कैसे यूएसए ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे हमने इराक इन्वेजन तक सब कुछ डिस्कस कर लिया था और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि है कि कैसे यू यु, एस ए ने अपनी हिजामनी स्टैब्लिश कर रखी है आज तक दुनिया के ऊपर और उसमें भी क्या क्या, क्या प्रॉब्लम्स हैं तो चलिए इस पर बात करते हैं तो फर्स्ट इज़ हाउ हैज़ यू एस इट्स हिजामिनी तो जो यूएसए है उसने अपनी हिजामिनी को थ्री वेज में स्टैब्लिश किया है थ्री वेज में ओके द फर्स्ट वे इज द हार्ड पार सेकेंड इज स्ट्रक्चरल पार थर्ड इज सॉफ्ट पार अब ये हार्ड पार क्या है और ये सॉफ्ट पार क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हार्ड पार का मतलब होता है कि जो मिलिटरी uh, है उसके यूज से जब कंट्री अपना खुद का यू नो कंट्रोल और डोमिनेंस एस्टैब्लिश करती है वर्ल्ड के ऊपर तो उसे हम कहते हैं हार्ड पार अब चलिए बात करते हैं सॉफ्ट पार की सॉफ़्ट पार जो मैंने आपको बताया था कि जब आप मिलिट्री का यूज़ ना करते हुए सिर्फ अपने यू you नो know, कुछ ऐसे आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस कर दे लोगों को कि वो आपके ही आइडियाज़ को एक्सेप्ट करके फॉलो करने लग जाएं तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पार अब एक न्यू टर्म है यहाँ पे जो कि है स्ट्रक्चरल पार आखिर ये स्ट्रक्चरल पार क्या है हमें हार्ड पार पता चल गया हमें सॉफ्ट पार पता चल गया अब ये स्ट्रक्चरल पार क्या है तो स्ट्रक्चरल पार से मतलब है कि कंट्री के पास जो आ, आ, जो वर्ल्ड एरवना है जो वर्ल्ड अफेयर्स है उसमें कितनी स्ट्रॉ उसमें कितनी स्ट्रेंथ है उस कंट्री के पास मतलब उस कंट्री के पास कितनी पार है वर्ल्ड एरेना में बोलने के लिए या फिर वो कितना पावरफुल है पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड अफेयर्स में उसका कितना बड़ा रोल है ओके सो दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल पावर पहले हम स्टार्ट करेंगे हार्ड पावर से अब यह हार्ड पार कैसे यू एस ए ने इस्टेबलिश कर रखा है हम जानते हैं कि यू एस ए की जो मिलिटेरी है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी मिलिटेरी है वो सुपेरियॉरिटी है उसकी मिलिटेरी की पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं जिसकी यू एस ए के बराबर मिलिटेरी हो वर्ल्ड के अंदर सेकेंड थिंग जो यूएसए है वो दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है अपनी मिलिट्री पे इट स्पेंड्स मोस्ट ऑन इट्स मिलिट्री आप दुनिया की कोई भी कंट्रीज ले लीजिए आप कोई दुनिया की कोई बारह कंट्रीज़ ले लीजिए आप उनके एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कीजिए और एक जगह सिर्फ अकेले यूएसए के एक्सपेंडिचर को अगर कैलकुलेट करें और उन्हें कंपेयर करें दोनों के एक्सपेंडिचर को तब भी यूएसए का जो एक्सपेंडिचर है मिलिट्री को मेंटेन करने पे वही ज़्यादा होता है ट व यू फाइंड कि उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो जो यू एस ए है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है अपनी मिलिटरी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में तभी उसकी मिलिटरी बहुत अच्छी है आज थर्ड थिंग की जो यूएसए है इसके वेपन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उन वेपन्स को क्रिएट करने में उन वेपन्स को बनाने में हम यही जानते हैं कि जो यूएसएसआर था या फिर जो रशिया है अभी प्रेजेंट टाइम का वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उसकी भी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो यूएसए से बस एक जगह पर पीछे रह जाता है और वो है वेपन्स की टेक्नोलॉजी यूएसए के पास जो वेपन्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है वहीं जो यूएसएसआर के वेपन्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा लैक करते हैं ओके एंड दे लैग बिहाइंड द यू एस वेपन्स जो हैर अगेन यूएसए जो है वो अपनी मिलिट्री की वजह से पूरे वर्ल्ड में आज सबसे ऊपर है हमने जैसे बात की थी इराक इन्वेशन की जब यूएसए ने इक को इन्वेड किया था तब भी इराक क्या था वो हार गया था ओके okay? क्यों क्योंकि इराक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं था वो भले ही कितना बड़ा भी टेररिस्ट क्यों ना हो लेकिन जो यू है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मिलीटेरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक आपको एक आपकी बुक में ये भी चीज़ दी गई है कि जो कोई भी कंट्री जब दूसरे कंट्री को इन्वेट करती है तो वो सिर्फ तीन पर्पसेस से इन्वेट करती है पहला दैट इज़ टू कॉन्कर जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को इन्वेट करती है उसका ज़्यादातर पर्पज़ ये होता है कि वो अपने खुद की कंट्री का एरिया एक्सपैंड करे दूसरा होता है रीज़न दैट इज़ टू पनिश जब कोई कंट्री एक कंट्री uh, को इन्वेट करती है तो कई बार ऐसा भी होता है वो सिर्फ पनिश करने के लिए उसे इन्वेट करती है पनिश करने के लिए जो उसने गंदा काम किया फॉर एग्जाम्पल जो इराक था इराक ने कितने सारे टेररिस्ट अटैक्स करवाए यू एस ए के ऊपर तो उस यू you नो know, उस uh, डीड की पनिशमेंट देने के लिए यू एस ए ने इन्वेट किया था इराक को थर्ड आता है हमारा टू पेट्रोल और टू पुलिस अप टू पेट्रोल या टू पुलिस का मतलब है कि एक कंट्री के ऊपर नज़र बनाए रखना कि वो सही काम कर रही है कि नहीं ठीक है जो इन्वेजन होता है तो वो एक इस पर्पज़ से भी होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे नज़र बनाए रखे कि कहीं वो कुछ ज़्यादा एक गलत वेपन्स नहीं क्रिएट कर रही या फिर किसी और कंट्री पर अटैक करने का प्लान तो नहीं कर रही है ओके सो दिस इज़ ऑल्सो वन पर्पज़ से कि uh, एक कंट्री जिससे एक कंट्री दूसरी कंट्री को इन्वेट करती है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यूएसए की तो यूएसए ने उसे इन्वेट किया था पनिश करने के लिए एज वेल एस टू पुलिस ओके और हम ये भी जानते हैं कि यूएसए के आगे अराक नहीं टिक पाया था ऑल दो का भी बहुत लॉस हुआ था क्योंकि उसके भी आर्मी के कई लोग मर गए थे लेकिन अरेक तब भी हार गया था ओके सो है वी अंडरस्टैंड कि यूएसए इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग और यूएसए की है ही एक तरह से मिलिट्री की वजह से चलिए अब बात करते हैं सेकेंड दैट इज़ स्ट्रक्चरल पार आप ये स्ट्रक्चरल कार्ड जैसे मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है कि किसी कंट्री का वर्ल्ड अफेयर्स में कितना यू you नो know, कितना ज़्यादा डोमिनेंस रहता है कि कौन सी कंट्री बहुत ज़्यादा सुपीरियर रहती है और उस किसका डिसीजन सबसे ज़्यादा माना जाता है ओके okay, तो अगर हम बात करें यू की और आपने अगर कभी न्यूज़ में सुना हो तो ऐसे कई बार होता है कि यू के अंदर जितने भी नेशंस हैं उनमें से जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर यही कंप्लेन करते हैं कि जो यूएन है हमेशा वो डिसीजनस लेता है जो यूएसए को फेवर करे या फिर जो यूएसए का डिसीजन होता है वही यूएन मानता है तो ऐसे कई बार कंप्लेंट्स भी आए हैं और ये कुछ हद तक ट्रू भी हो सकता है क्योंकि जो यू है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है यू के अंदर और जो यू को जो चीज़ फ़ायदा देती है ज़्यादातर वही डिसीजंस लिए जाते हैं तो इसका रीज़न सिंपली यही है कि जो जो यू uh, एस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उससे हमें पता भी चलता है कि यू का कितना बड़ा हाथ है किसी वर्ल्ड के यू नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन्स में ना फर्स्ट हमारा पॉइंट जो है स्ट्रक्चरल पार में इसके अलावा कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे कितना बड़ा रोल प्ले करता है पहला पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है दैट इज़ इट इज़ सुपेरियर इन प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स अब ये पब्लिक गुड्स क्या है पब्लिक गुड्स से मतलब है वो गुड्स दैट अ पर्सन कैन यूज एंड एट द सेम टाइम अनदर पर्सन कैन ऑल्सो यूज विदाउट फेसिंग विदाउट फीलिंग एनी डिक्रीज इन द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ दैट पर्टिक्यूलर गुड इन हिज ओन अकाउंट कि मतलब कि कुछ ऐसे गुड्स की एक इंसान यूज़ करे और उसकी क्वांटिटी दूसरे इंसान के लिए कभी भी कम ना पड़े और ना ही उसकी क्वालिटी कभी भी डिग्रेड हो अब ये गुड्स कौन कौन से होते हैं वैसे नेचुरली हम बात करें तो इसमें वो गुड्स आएंगे जैसे कि सनलाइट है ओके okay, वाटर है एयर है ये वो कुछ हैं कि अगर कोई एक इंसान यूज़ भी करता है उसकी क्वांटिटी कभी दूसरे के लिए नहीं दूसरे के लिए कम नहीं पड़ती है अब फॉर uh, एग्जांपल कि मैं सांस लेती हूँ ओके वट एवर आई यूज ओके जो मैं सांस लेती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सांस नहीं आएगी या फिर मेरे आस जो भी है उसके लिए यू नो एयर कम पड़ जाएगी ब्रीथ करने के लिए तो ऐसा नहीं होता है राइट right? तो जो यू जो ये आम, जो ये हो एयर है वो भी एक एग्ज़ाम्पल है ओके okay? जो ये एयर है वो भी है एक एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस पब्लिक गुड्स अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लोबली ओके okay? जब हिजामरी की बात हो रही है तो यहाँ पे जो ग्लोबल यहाँ पे जो पब्लिक गुड्स हम कंसिडर करेंगे उनमें आते हैं मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स ब्रिजेस यू नो वाटरवेज सी लेनस लेकिन आपकी बुक में जो बात हो रही है वो मेनली बात हो रही है आपके सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन की जिन्हें हम कहते हैं एस एल सीज़ या एस ओ सीज़ अब ये एस एल सीज़ या एस ओ सीज़ क्या हम जानते हैं कि कई बार जो ट्रेड होता है कंट्रीज़ के बीच में वो वाटर वेज़ के थ्रू होता है राइट कई कंट्रीज़ वाटर से भी आ, ट्रेड करती हैं ओके एक कंट्री का शिप दूसरी कंट्री के पोर्ट पर जाता है यू नो सो ऐसे भी ट्रेड होता है अब क्या होता है कि जो आ, कई बार जब ये ट्रेड होता है वॉटर वेस्ट के थ्रू तो जो टेरोरिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो कई बार इन्हीं ही वाटर वेज पर यू नो सी लेंस पे बैठ जाए इस तरह से यू नो ताक लगाए बैठे रहते हैं कि कोई शिप आएगा और हम उस पर अटैक कर देंगे और शिप को ब्लो ऑफ कर देंगे ओके okay? हम लोग उस शिप को उड़ा देंगे बिल्कुल तो टेररिस्ट ग्रुप से इन टेररिस्ट ग्रुप से यू नो प्रोटेक्शन के लिए जो यूएसए है वो अपनी नेवी को हर जगह तैनात कर देता है इट ऑलवेज कीप्स इट्स नेवी डिप्लॉयड इन द दाटर्स ऑफ द होल वर्ल्ड ताकि लोग फ्रीली और बिना किसी डर के ओके okay, ट्रेड कर सके कंफ तो इधर आप फिर से देखिए जो यूएसए है उसी का रोल वही रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर भी वही एक है जो यहाँ पे अगेन रोल प्ले कर रहा है कि वो एस की प्रोटेक्शन कर रहा है इनफैक्ट जो ये एस हैं वो भी यूएसए ने ही इंट्रोड्यूस किए थे तो इससे हमें पता चलता है कि अगेन यूएसए इज़ डोमिनेटिंग द वर्ल्ड अब चलिए बात करते हैं एक और एग्ज़ाम्पल की इंटरनेट की बात करता हूँ इंटरनेट आज पूरी दुनिया यूज़ करती है राइट और हमें ये शायद पता है कि जो इंटरनेट है वो भी यूएसए ने ही डेवलप किया था नाइनटीन में 1950 में यू ने इंटरनेट को डेवलप किया और आज पूरा वर्ल्ड उसी इंटरनेट को यूज़ करता है तो आप देखें कि एक कंट्री की बनाई हुई एक चीज़ आज पूरा ही वर्ल्ड यूज कर रहा है जाने अन जाने दैट डजेंट मैटर ओके तो अगेन यूएसए इज डोमिनेटिंग ओके यूएसए हेज स्टैब्लिश है चलिए अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की वर्ल्ड ट्रेड की बात करते हैं ओके okay? हम जानते हैं कि जो जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है वर्ल्ड ट्रेड बहुत ही ज़्यादा पीक पर राइट right? सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से ट्रेड करती है कुछ ही कंट्रीज़ होंगी जिनके पर्सनल मैटर्स की वजह से वो एक दूसरे से ट्रेड नहीं करती हैं लेकिन जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से हमेशा ट्रेड करती रहती हैं तो जो ये वर्ल्ड ट्रेड होता है उसमें से फोटीन फोर्टीन परसेंट वर्ल्ड ट्रेड यूएसए खुद करता है यूएसए से बाकी की वर्ल्ड की कंट्रीज करती हैं फोर्टीन परसेंट ट्रेड मतलब हंड्रेड में से फोर्टीन परसेंट ट्रेड सिर्फ यूएसए के साथ होता है तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड के केस में भी यूएसए ने अपनी हिजामिनी अपना डोमिनेंस डोमिनंसट्लिश किया हुआ है अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की ब्रेटन वु सिस्टम आपकी बुक में ये आ, ये टर्म यूज़ हुआ है ब्रेटन वुड्स सिस्टम अब ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम है क्या वॉट इज़ दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म चले पढ़ते हैं जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है इसका मतलब ये है कि जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो सभी के सभी ट्रांजैक्शंस ट्रेड उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं यूएस डॉलर्स में जो कि है यूएसए की करेंसी तो जब यूएस डॉलर्स में उनको रिकॉर्ड किया जाता है तो आप इधर देखिए अगेन यूएसए की ही करेंसी डोमिनेट करती है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही एक लीगल मेजर है किसी भी ट्रेड को रिकॉर्ड करने में सो so, जो यू के डॉलर्स हैं वो भी एक तरह से हिजामिनी उन्होंने इस्टैब्लिश कर रखी है वर्ल्ड के ऊपर तो अगेन यू एस इन दिस वे हैज़ इस्टेब्लिश इट्स हिजामिनी अब बात करते हैं हम एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं फिनैंशियल इंस्टीट्यूशंस की अब आप ये कहोगे कि फिनैंशियल इंस्टीट्यूशंस तो इंटरनेशनल होते हैं तो इसमें यू के कहाँ से आई तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूएसए ने ही स्टैब्लिश किए थे क्योंकि यूएसए पहली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और उस उसने कैपिटलिज्म को स्प्रेड करने के लिए और यू नो प्रमोट करने के लिए उसने ये सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल uh, इंस्टीट्यूशंस खोले और आज इन्हीं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सारे के सारे मेन हेड यूएसए के अंदर हैं तो यूएसए में जब इसके मेन हेड क्वार्टर्स हैं हम समझ सकते हैं कि यूएसए की अगेन है जर्मनी है क्यों क्योंकि ये सभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है पूरा वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के यू नो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स मनी फाइनेंशियल डेटा सब कुछ इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास है इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के पास है और इन सभी के हेडक्वार्टर्स, इन सभी का यू you नो know, जो मेन लीडर है वो है यू तो अगेन यू एस एज़ इस्टेब्लिश हिजर्मनी बे कंट्रोलिंग द वर्ल्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अब बात करते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल की जो इसमें आता है किस स्ट्रक्चरल पार में आता है बात करते हैं बिजनेस की आपने एक डिग्री का नाम तो सुना ही होगा दैट इज एम बी ए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओके एम बी ए की यही फुल फॉर्म होती है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो ये जो डिग्री है ये भी यूएसए के वॉटन स्कूल ने इंट्रोड्यूस की थी एटीन एटी वन में एटीन एटी नाइन में आई थिंक और ये जो डिग्री है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है आज वर्ल्ड में ये वर्ल्ड में तब आई थी जब यू नो इट वाज़ अबाउट नाइनटीन और 1990 जब ये इस वर्ल्ड को इसको वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था और ये डिग्री को एक यू नो लीगल रिकगनीशन मिला था ग्लोबल रेकगनेशन मिला था जब दुनिया ने इसे एक रियली यू नो बहुत ही अच्छी um, डिग्री माना शुरू कर दिया तो जो ये 1881 में जब ये मॉडन स्कूल में आई वो भी यू का ही था तो एम भी यू ने ही इंट्रोड्यूस किया है जो आज पूरा वर्ल्ड रिस्पेक्ट करता है पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है इंडिया में भी अब कई लोग देखते होंगे जो कहते हैं कि आई हैव टू डू एम ए आफ्टर माई ट्वेल्थ और यू you नो know, बहुत लोग कहते हैं हम तो उनका मतलब यही है कि वो लोग भी इसी अमेरिकन स्टडीज़ में जाने वाले हैं अभी और कई लोग ऐसे हैं इनफैक्ट आई थिंक सभी लोग ऐसे हैं जो कोई जानते ही नहीं है कि जो एम है वो भी यू की ही दी हुई डिग्री है तो हम जाने अनजाने यू की डोमिनेंस में रह रहे हैं और यूएसए के ही आइडियाज़ को फॉलो भी कर रहे हैं यूएसए ने जो हमें दिया है हम उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और हमें ये पता भी नहीं है कि वो यूएसए का दिया हुआ है ओके सो दिस वाज स्ट्रक्चरल पार अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो है सॉफ्ट पार चलिए बात करते हैं सॉफ्ट पार की अब जो सॉफ्ट पार है जैसे मैंने आपको बताया कि जो यू है वो आ, पूरे वर्ल्ड पे अपने हिजामिन इस्टब्लिश करते हैं थ्री वेज में जिसमें थर्ड है सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर का मतलब है कि आ, मतलब नॉट इन द मटेरियल फॉर्म बट इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जब एक आ, कंट्री पूरे वर्ल्ड पर अपनी हिजामिन इस्टबलिश करती है हम जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ यू नो एक्शन से बेटर कुछ वर्ड्स काम करते हैं राइट जब आपके वर्ड्स इन्फ्लुएंस करने लग जाए वर्ल्ड को दैट इज़ रियली ग्रेट और एक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे वाली बात होती है जब उसके सिर्फ़ वर्ड्स ही इतना काम कर दें कि उसे कुछ आगे करने की ज़रूरत ना हो अगर हम बात करें यूएसए की तो यूएसए ने पूरे वर्ल्ड को पूरे वर्ल्ड को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रखा है कि यू नो you know, पूरा वर्ल्ड आज उसे फॉलो करता है लिटरली फॉलो करता है जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जो आई थिंक आपने आ, आप सभी जानते हैं कि जो यूएसए है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है राइट right? और कैपिटलिज्म भी यूएसए ने ही इंट्रोड्यूस किया था ये जो कैपिटलिज्म इसने आज इंट्रोड्यू इसने इंट्रोड्यूस किया था यूएसए ने वो आज वर्ल्ड की मैक्सिमम इकोनॉमीज की फाउंडेशन है मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज स्पेशली ऑल द नाटो कंट्रीज आर कैपिटलिस्ट इकॉनमीज एंड इन द वर्ल्ड इवन इंडिया में भी कैपिटलिज्म है राइट right? हमारी तो मिक्सड इकॉनमी इट मीन्स इट्स सोशलिस्ट एज वेल एज कैपिटलिस्ट इकॉनमी लेकिन हम जानते हैं कि जो कैपिटलिज्म है जो प्राइवेटाइजेशन है ऑफ रिसोर्स इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड पर और आज मैक्सिमम कंट्रीज प्राइवेटाइजेशन कर चुकी है अपने कंट्री के अंदर राइट right? तो अगेन आप देख सकते हो कि जो प्रिंसिपल यू एस ए ने अडॉप्ट किया था स्टार्टिंग से वो आज पूरे वर्ल्ड को यू नो एक्सेप्टेबल फॉर्म लग रहा है क्यों क्योंकि वो यू एस ए के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं यू एस ए ने उन्हें इस तरह से यू नो लाइक एक्सप्रेस किया है अपने व्यूज़ को कैपिटलिस्ट व्यू को कि आज पूरा वर्ल्ड उससे इन्फ्लुएंस हो चुका है और वर्ल्ड की मैक्सिमम इकॉनमीज़ ने कैपिटलिज़म को अडोप्ट किया है ओके okay? तो ये था बस पहला एग्जाम्पल चलिए अब बात करते हैं फूडिंग की अभी हम जानते हैं कि बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें कई टाइप के फूड खाने को मिले फूड आइटम्स खाने को मिले हैं लाइक फ्रेंच फ्राइज़ पिज़्ज बर्गर्स एंड ऑल आप जानते हैं इटालियन भी है चाइनीज भी है फ्रेंच भी है और इसमें साथ ही साथ ही अमेरिकन फूड आइटम्स भी हैं अब अमेरिकन फूड आइटम्स कौन कौन से हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव फ्रेंच फ्राइज़ जो एक अमेरिकन फूड आइटम है फॉर्च्यून क्यूकीज़ जो लोग समझते चाइनीज़ हैं बट दीज आर ऑल्सो एन अमेरिकन इन्वेंशन और भी जैसे लाइक चिप्स हैं कोल्ड ड्रिंक है ये सभी के सभी यू एस ए ने ही इंट्रोड्यूस किए थे ये सभी के सभी फूड आइटम्स यू एस ए ने इंट्रोड्यूस किए थे और आज हम जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड आज इन फूड आइटम्स को कितना ज़्यादा कंज्यूम करता है बिना ये जाने या फिर शायद जानते हुए भी कि ये यू एस ए के ही हैं और ये हम जानते हैं कि आज अगर किसी यू नो लाइक एक बच्चे को कह दो आप कि आप कोल्ड ड्रिंक चूज़ करोगे या फिर सिंपल दूध चूज़ करोगे इट्स डेफिनेटली गॉन ए बी कोल्ड ड्रिंक क्योंकि आज लोग उन फूड आइटम्स के पीछे इतने पागल हो गए हैं दे हैव जस्ट बिक बिकम एडिक्टेड टू दोज फूड आइटम्स लोगों को बर्गर्स बहुत पसंद हैं फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो बर्गर्स हैं फ्रेंच फ्राइज हैं कोल्ड ड्रिंक्स हैं इन सब को चिप्स हैं इन सब को वो प्रेफरेंस देते हैं ओवर एनी अदर हेल्दी फूड आइटम अगर आप उनको यू नो चूज़ करने के लिए रख दो तो तो हेयर अगेन यू सी भले ही वो सिर्फ एक फूड आइटम के फॉर्म में है या फिर एक इकॉनमी के यू नो फाउंडेशन के फॉर्म में अगेन यू एस इज़ डोमिनेटिंग ऑल ऑफ दिस चलिए अब बात करते हैं ज़रा क्लोथ्स की आप शायद आप शायद सभी यू नो ब्लू जीन्स भी पहनते होंगे तो ये जो ब्लू जीन्स है ये भी यू एस ए ने ही स्टार्ट की थी यू एस ए से ही ये ब्लू जीन्स भी इन्वेंट हुई थी यू नो एंड आज पूरे वर्ल्ड में ब्लू जीन्स बहुत कॉमनली पहनी जाती है यू डोंट आस्क एन वन कि आप ब्लू जीन्स पहनते हो या नहीं पहनते बिकॉज इट्स रियली कॉमन ओके आप, आप सबको देखते होगे कि सभी ब्लू जीन्स पहनते हैं तो ये जो ब्लू जीन्स थी ये भी पहली बार यू एस ए ने इंट्रोड्यूस की थी और आज पूरा वर्ल्ड इसे भी जाने अनजाने पहनता है एंड इट यूजेस दिस ब्लू जीन्स बिकॉज़ दिस ब्लू जीन्स इज़ वेरी फेमस तो अगेन हेयर अगेन इन दिस सॉफ्ट पारफॉर्म ऑल्सो यू एस एज़ डोमिनेटेड द वर्ल्ड क्योंकि यू एस ए के कई इतने सारे थाट्स हैं कई इतने सारे यू नो प्रोडक्ट्स हैं जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है और यू नो वर्ल्ड को सेकेंड थाट्स नहीं है इस पर कि अगर उन्हें कुछ चूज़ करने को आ जाए कुछ कि उन्हें यू नो फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है या फिर वो पसंद है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अगेन यू ने अपनी हिजामिनी स्टैब्लिश की हुई है अब यू ने जो इतनी हिजामिनी अपनी स्टैब्लिश कर रखी है इन तीनों वे से अब इसका मतलब ये नहीं है कि यू के पास यू की के हिजामिनी पर कुछ लिमिटेशंस नहीं है या फिर उसकी हिजामिनी पर कोई लिमिट्स नहीं लगी हुई हैं अगर हम बात करें लिमिट्स की तो यू की हिजामिनी पर भी कोई तो चलिए बात करते हैं उन कंस्ट्रेंट्स की उन रिस्ट्रिक्शंस की जो इम्पोज़ हो रखे हैं आई मीन I mean जो इसके हिजामिनी पे एक रिस्ट्रिक्शन का काम करते हैं तो पहला जो कंस्ट्रेंट है वो है डिवीजन ऑफ पावर आपको आ, दिख रहा होगा ओके ऑन द स्क्रीन कि डिवीजन ऑफ पावर उसका पहला कंस्ट्रेंट अब ये डिवीज़न ऑफ पावर कंस्ट्रेंट कैसे है जो यू का स्ट्रक्चर है गवर्मेंट स्ट्रक्चर उसमें हमारी ही तरह थ्री ऑर्गन्स हैं दैट इज़ द लेजस्लेटर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तो जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव यू एस ए की मिलिटरी पर बहुत स्ट्रिक्ट वॉच रखता है इसका मतलब कि उसकी मिलिटरी क्या कर रही है क्या करने वाली है उस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है एंड अगर उसकी मिलिट्री कुछ ऐसा करने जा रही है कि मतलब वो किसी दूसरे एरिया पे अटैक करने वाली है तो यू नो एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देता है उसने कई सारे ऐसे पॉलिसीज़ बनाए हैं कुछ लॉज बनाए हैं एग्जीक्यूटि ने एंड एक्चुअली उनको इम्पोज किया है uh, पे कि जिसकी वजह से जो मिलीटरी पार है यूएसए की जिसके थ्रू वो हिजामनी को भी एक्सरसाइज करता है एक वे में तो वो उसकी वो हिजामिनिक पार कम हो गई है क्योंकि मिलिट्री पे कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं बाय द डिवीजन थ्रू द डिवीजन ऑफ पार अब चलिए बात करते हैं दूसरे कंस्ट्रेन की जो कि है मास मीडिया जो मास मीडिया है वो किसी भी कंट्री का एक रिस्ट्रिक्शन बन जाता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए एक रिस्ट्रिक्शन बन जाता है क्योंकि जो मीडिया होती है वो हमेशा शो अप करती है कि क्या गवर्नमेंट क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है ओके वो मतलब मीडिया बहुत ज़्यादा पार्शल नहीं होती है जैसे आप जानते हो इंडिया में अगर बीजेपी कुछ भी गलत करती है तो बहुत जल्दी टीवी पे आता है या फिर कांग्रेस कुछ बोल रहा है बीजेपी के अगेंस्ट तो वो भी बहुत जल्दी आता है न्यूज़ में तो इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि जो आ, मीडिया होता है उसका काम ही ये होता है कि वो पब्लिक को सब कुछ इन्फॉर्म करे पब्लिक को अपडेटेड रखे कि एक्चुअली उसके नेशन में हो क्या रहा है और गवर्नमेंट कुछ सही कर रही है या नहीं कर रही है ओके okay? वैसे ही यूएसए की जो गवर्नमेंट है यूएसए में जो आ, मीडिया है वो भी यूएसए एस के गवर्नमेंट पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वॉच रखती है अगर यूएसए कुछ भी गलत कर रहा है तो हमेशा यू एस की गवर्नमेंट कुछ गलत करने वाली होती है फॉर एक्जाम्पल अभी यू के गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे मिलिटेरी को कि आप जाइए और किसी भी कंट्री पर अटैक कीजिए हमें बस उसकी कॉन्कर करनी है लैंड तो जो मीडिया है वो ये न्यूज़ पहुंचा देगी पब्लिक के पास और पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा कोर्स पब्लिक बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगी क्योंकि वो कहेगी कि जो हमारी कंट्री है वो यूज़लेसली एक दूसरी कंट्री को परेशान कर रही है उस पर अटैक करके को, उसकी कोई नीड ही नहीं है तो जो आ, पब्लिक है वो इंसाइट हो जाएगी गवर्नमेंट के अगेंस्ट और वो गवर्नमेंट के लिए इस गवर्नमेंट से बोलेगी अपील करेगी कि आप ये सब बंद कीजिए बिकॉज इससे क्या हो रहा है जो नेशन है वो खतरे में आ रहा है किसी तर, ना किसी तरह से क्योंकि ऑफकोर्स जिस पर आप अटैक कर रहे हो वो भी तो आप पे अटैक करेगा ही राइट right? तो इस तरह से भी जो मीडिया है यहाँ पर वो एक रिस्ट्रिक्शन का काम कर रही है क्योंकि अगेन गवर्नमेंट ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती अपनी मिलिट्री को ऐसा कुछ भी करने का ऑर्डर नहीं दे सकती जिससे लोगों को यू नो इट ऑफेंड्स पीपल ओके तो इस तरह से जो मास एंड मीडिया है ओके okay, वो भी एक रिस्ट्रिक्शन का काम करती है यूएस की पार पे है जैमिनिक पार्प है अब चलिए बात करते हैं हम तीसरी रिस्ट्रिक्शन की जो कि है नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अब ये नाटो क्या है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ इट इज़ द ग्रुप ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज विच इज हेडेड बाय द यू मतलब यू कुछ यूरोपियन कंट्रीज के ग्रुप का एक नेशन लीडर uh, है और इसी यू नो पर्टिकुलर ग्रुप को कहते हैं हम नाटो ओके okay? तो जो ये नाटो है ये भी एक रिस्ट्रिक्शन काम करता है यूएसए के हिजामिक पार पे क्योंकि नाटो तो में वो कंट्रीज आती हैं जो कि यूरोप की, की हैं ओके अगर यूएसए ऐसा कुछ भी करता है जो उन यूरोपियन कंट्रीज़ को बर्दाश्त नहीं है या फिर वो यूरोपियन कंट्रीज अपोज करती हैं उसे तो यूएसए कोई भी एक्शन नहीं ले सकता फिर तो जो एक्शन जो वो फ्रीली लेता था पहले यूएसए अब नाटो के आने की वजह से वो उन एक्शन को फ्रीली नहीं ले सकता क्योंकि हो सकता है कि यूएसए कोई ऐसा एक्शन ले ले जिसकी वजह से कुछ नाटो की कंट्रीज़ यूएसए का साथ छोड़ दें और यूएसए और नाटो का साथ यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी मदद से एक तरह से यू ने अपनी हिजामिनी इस्टेब्लिश की है वर्ल्ड में तो जो ये नाटो है ये भी एक रिस्ट्रिक्शन का काम करती है यू के लिए Okay, you seek hegemonic So, guys, this was our videos part two. In part three, I'll discuss the rest of the chapters. So, please go and watch the part three. So, if you like this video, then please don't forget to like, share, and subscribe my channel. And let me know in the comments below if you have any doubts or problems regarding my explanation. So, till then, take care. Goodbye.